और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं वोटिंग पॉइंट्स। अभी हमने इसके पहले काफ़ी रेप्टाइल्स, कछुए और बहुत सारे अजगर इस तरह से देखे। बाकी हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ये है हमारा, पहले ये देखते हैं क्या लिखा है। वेटलैंड्स सब अलग अलग डिफाइन कर रखा है। और ये हमारा है वोटिंग पॉइंट्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आप देख सकते हैं। और सब घर के लोग जा चुके हैं अंदर। देखते हैं इसका टिकटिंग प्राइस क्या है। बाकी यहाँ पर बैठने की काफ़ी सुविधा उपलब्ध है और काफ़ी टूरिस्ट अंदर वोटिंग कर रहे हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या है प्राइस रेट टिकट का, और इन्जॉय करते हैं वोटिंग का। मैं आपको पास से व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए पास से इसका व्यू है। और यहाँ पे लोग लाइन लगाए हुए हैं जो टिकट ले चुके हैं। बाकी यहाँ पे आप प्राइस देखोगे तो 2 सीटर 50 रुपीज़ का है और 4 सीटर 100 रुपीज़ और फैमिली 150। तो इस तरह से भैया जी टिकट हो गया, पूरा फैमिली वाला ले रहे हैं। 150 रुपए का, 150 रुपए का 6 लोग। कौन से? बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। हाँ, यहाँ पे फैमिली पैक्स जो 6 पर्सन का है वो 600 रुपीज़ है। 150, सॉरी 150 है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा व्यू। हेलो दोस्तों, अभी हम हैं नंदन कानन के वोटिंग पॉइंट्स में और हमारे साथ हैं डुगु, बड़ी भाभी, मम्मी, भाभी और तन्नू जो इस वोट को राइड कर रही हैं। और लड्डू गोपाल भी हमारे साथ में है। ये देखिए, अरे हमें डूबने से बचा सकते हैं, ये नहीं बचा सकते वो बचा सकते। और ये देखिए हमारे साथ दो राइडर है इस समय, डुगू और क्या कहते हैं तन्नू इस बोट को राइड कर रही हैं। और किस दिशा में ले जाएंगी ये हमें नहीं पता है। और वो देखिए वो वाली जो बोट है आप देख सकते हैं वो भैया की है। और इधर आप मोड़िए, आपको कॉर्नर से ले चलेंगे हम लोग यहाँ से, ताकि पूरा एक चक्कर कवर कर सके और आपको दूर दूर तक इस वोटिंग पॉइंट के आगे आपको जंगल दिख रहा होगा और वहाँ पे कुछ कॉटेज भी बने हुए हैं। तो जिसको शांति पसंद है वो उस जंगल में जाके कॉटेज में रह सकता है और अपनी शांति भंग कर सकता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डुगू को बहुत दूर जाना है। डुगू ने अभी क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल्स, कछुए छुए सब कुछ देखे हैं। और यहाँ पे लोग देखिए वोट कर रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं। वोटिंग करने का भी एक अलग मजा है जब आप सेल्फ वोट करते हैं। ये देखिए सेल्फ वोट खुद ही राइड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग के पास ये है इसको डायरेक्शन देने के लिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। पीछे पीछे दिखाइए। और आप वो देखिए वहाँ से हमने वो यात्रा स्टार्ट की थी, काफी आनंद आ रहा है। ये है उड़ीसा का नंदन कानन और ये है उसका वोटिंग पॉइंट्स। अभी हमें काफ़ी एक्सप्लोर करना है इस वोटिंग पॉइंट्स को। तो चलते हैं और इन्जॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों डग्गू? हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, पैडल मार रहे हैं लेकिन जब सीन देख रहे हैं तो बहुत। और डग्गू तेनू क्या कहना चाहोगी? कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बस पैडल नीचे से मर रहा है। कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसको ज्यादा मजा आ रही है। और आप यहाँ पे ये हरा हरा वाटर देख सकते हैं, वो भी इसमें तो वाटर प्लांट्स देख सकते हैं। उधर देखिए, उधर देखिए, और ये कुछ सब्जियां भी उगी हैं। सब्जियां नहीं रुकी हैं, मुझे लग रहा है तालाब टाइप का है। तालाब है, हाँ तालाब है। और अगर आप नंदन कानन आ रहे हैं तो वोटिंग पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मज़ा आने वाला है वो मज़ा आपको कहीं नहीं आएगा। तो इसलिए मज़ा लेते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जाएंगे, भैया जी लोग जो वोटिंग कर रहे हैं उनका पीछा कर रहे हैं। ये पुलिस वाली वोट है और वो चोर वाली वोट है। चोर पुलिस का खेल चल रहा है, चल रही है। तो चलते हैं आगे
और जब हम वहाँ पे कैच कर लेंगे तब आपको वीडियो दिखाएंगे। और ये देखिए छोटी वाली सामने हमारे काफी मजा ले रही है अकेले यहाँ पे। पापा जी बैठे हुए हैं और हम लोग अभी पकड़ नहीं पाए हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा बीच में और स्टेयरिंग को मैं पकड़े हुए हूँ इस समय। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और थोड़ी धूप भी लग रही है सीधे सीधे, तो वो आप देख सकते हैं कि फेस पे रिफ्लेक्ट। हाँ, इनके कतई धूप नहीं लग रही है, यह कतई जहर जैकेट इनकी उड़ रही है, ये देखिए। हम लोग बोट राइड कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पैडल राइडिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे बोट राइड करते हुए। तो आप पीछे से C3 अनाउंस भी हो रहा है कि देखिए कि आप टाइम हो चुका है। हाँ, तो अभी हम लोग बोट करके आ रहे हैं। वो पीछे डार्क, पता नहीं क्या कह रहा, टाइम हो गया ओवर। मम्मी देख लें दो में भी, और काफी मजा आ रहा है लेकिन कितना सारा प्लान। ये इन लोग से कह दो निकल आओ, इन लोग का वेट ज्यादा है। एक भैया जी आइए, कोई ज्यादा एक तरफ सब पापा जी और ये एक ही तरफ बैठ गया ना, एक जन को इधर आना चाहिए। बार बार पहले से तो चलिए चलते हैं और ये हमारी जगह आ चुकी है, आप देख सकते हैं जगह आ चुकी है लाइव लग रखे और काफी बार अनाउंस हो रहा है कि आप आ जाइए। तो चलिए चलते हैं बोट के पास, आपको रोल नंबर दिखाता हूं। बोट बंद करो, बोट बंद करो।